नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। जब युद्ध होता है तो कई तरह की समस्याएं आती और उसका समाधान खोजना आसान नहीं होता, क्योंकि युद्ध एक समस्या लेकर नहीं आता, उसके साथ भयावह तबाही आती जिसके बारे में सुनकर पढ़कर सभी की रूह कांप जाती। इसके साथ ही साथ युद्ध के जानकार तुलना करने लगते हैं कि कौन किस पर भारी है, किसके पास कितने हथियार हैं और कौन सा हथियार सबसे खतरनाक है। आज हम भी आपको एक ऐसे ही हथियार के बारे में बता रहे हैं जो एक बार में 12 परमाणु बम ले जा सकता है और किसी भी देश को दफन कर सकता है। जी हाँ, इस हथियार का नाम है सरमत मिसाइल। रूस से मिली जानकारी के मुताबिक सरमत मिसाइल 115 फीट लंबी, जो अंडरग्राउंड साइलो से दागा जाता है, इस दौरान आग की जोरदार लपटें उठती हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो सरमत किलर मिसाइल में रॉकेट लगा है, जो मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने साथ 10 से लेकर 15 वॉरहेड ले जा सकती और यही खूबी इसे खतरनाक बनाती। रूस के ये परमाणु बम अमेरिका के, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में गिराए गए एटम बम से 1,000 गुना ज्यादा ताकतवर। इस तरह से ये मिसाइल अपने एक हमले में ब्रिटेन, फ्रांस या टेक्सास के आकार की जगह को तबाह कर सकती। इस तरह से रूस के हथियारों के जखीरे में एक नया महाविनाशक हथियार। सरमत मिसाइल दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उड़ान भरने के बाद चकमा दे सकता, इससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। आप एक बार ये वीडियो देखिए। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो सरमत दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा है। रूस पर नजर रखने वालों की माने तो मिसाइल का नाम सैटर्न 2 रखा गया। ये रूस की अगली पीढ़ी की मिसाइलों में शामिल है, जिसे पुतिन अपराजय बताते हैं। इनमें रूसी किंजल और एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस की 5 या 6 सरमत मिसाइलें अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को राख के ढेर में बदल सकती। रूस ने सबसे पहले अक्टूबर 2017 में इस मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय ये धरती पर सबसे खतरनाक और घातक परमाणु मिसाइल थी। रूसी मिसाइल को बनाने वाले डिजाइन ब्यूरो की माने तो इस मिसाइल को रूस के रणनीतिक बल के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के रूप में विकसित किया गया। सरमत मिसाइल 208 टन वजनी है। ये मिसाइल करीब 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब इस मिसाइल की जद में अमेरिका आ चुका है। मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल अपने साथ 10 से 15 वॉरहेड ले जा सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसका परीक्षण लाइव देखा और खुशी के मारे उछल पड़े, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत से दुनिया के देशों पर अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षण पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कुछ बयान नहीं आया। देखना होगा कि आगे इस पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है।